नई दिल्ली एलटीजी ऑडिटोरियम में ले रिदम और रिदम स्कूल ऑफ म्यूजिक सी आर पर नई दिल्ली और प्रोबो कल्याणी ट्रस्ट हजारीबाग म्यूजिक बियॉन्ड बाउंड्रीज का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राजेंद्र प्रसन्ना को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ज्वाला प्रसाद की प्रस्तुति एवं प्रसिद्ध गायिका श्रीमती रिनी मुखर्जी की गायन प्रस्तुति ने लगाया चार चार। राजेंद्र प्रसन्न जी है, पंडित अकरम खान है जी है, एंड बाहर से भी फ्लूट का एक फ्रेंच लेडी शी विल बी प्लेइंग फ्लूट। एंड यहाँ पे हमारे स्कूल जो लेरोदिन के अंडर में जो स्कूल है रिदम स्कूल ऑफ म्यूजिक, वहाँ के बच्चे भी डिफरेंट टाइप का प्रोग्राम करेंगे। कोई डांस प्रोग्राम है, इनक्रेडिबल इंडिया, और उसके साथ वोकल है, इंस्ट्रूमेंट्स है, इंस्ट्रूमेंट फ्यूजन है, तो सब कुछ मिला के एक कम्बिनेशन है। सभी लोगों को अच्छा लगेगा क्योंकि यहाँ पे हर पसंदीदा चीज़ होगा। लगभग कितने प्रोग्राम आप करा चुके हैं अब तक? हमारा ट्रस्ट जो लेरोदिन ट्रस्ट है वो 12 साल से चल रहा है, तो 12 साल में हर साल दो प्रोग्राम तो होता ही है। एक तो है एनुअल प्रोग्राम एंड और इस समर टाइम में और एक प्रोग्राम होता है, तो आप कह लीजिए 24 प्रोग्राम तो हो ही चुका है। और इसके अलावा भी एक्चुअली हमें बहुत सारे कॉल्स मिलता है चारों तरफ से, हमारे बाहर में हम हमारे बच्चे को भेजते हैं वहाँ पर भी प्रोग्राम कराते हैं। एंड कमिंग ईयर 2020 में हमारे बच्चे लास वेगास में भी प्रोग्राम करने जा रहे हैं, वो NABC 2020 में वहाँ पर भी प्रोग्राम करने जाएंगे। मैम, सुना है आपने इंडिया से बाहर भी कुछ प्रोग्राम किए? हाँ, मैंने काफ़ी जगह पर प्रोग्राम कर चुकी हूँ। मैं यूरोप में भी जैसे लंदन में किए हैं, मैं मैनचेस्टर में किए हैं, फ्रांस में किए हैं, स्विट्ज़रलैंड में किए हैं, एंड इन US एज वेल आई हैव डन इन द ईस्टर्न पार्ट एज वेल एज द वेस्टर्न जोन एज वेल। न्यूयॉर्क में मैंने किए हैं, सैन फ्रांसिस्को में किए हैं। तो मैं हर साल NABC में भी मैं 2 साल से जा रही हूँ, 2 साल में मैं जाके कर चुकी हूँ। आगे 2020 में भी हमें कॉल मिला है वहाँ से कि हमारे लिए, बट दिस टाइम आई विल बी टेकिंग माई स्टूडेंट्स देयर कि वो लोग भी उतना इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में परफॉर्म करें। मैम, अपने स्टूडेंट्स के बारे में क्या कहना चाहते हैं? हमारे स्टूडेंट्स बहुत एक्चुअली दे आर जीनियस, दे आर द कीज़ इन द एज ऑफ 3 ईयर्स टू एडल्ट। तो 3 साल के बच्चे भी यहाँ पे कॉन्टेम्प्रेरी डांस में है, छोटे छोटे बच्चे एकदम, तो वो लोग भी आज परफॉर्म करेंगे। एडल्ट भी है एंड इन बिटवीन स्कूल के बच्चे भी है बहुत सारे। एट प्रेजेंट आई हैव 180 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल, तो सारे बच्चे परफॉर्म करेंगे यहाँ पे आज। एंड बच्चे दोज आर ऑल टैलेंटेड स्टूडेंट्स। आज के दिन में बच्चे एक्चुअली अच्छा कुछ सीखने को मिले, दे कैन कैप्चर दैट वन इजीली। और हमारे स्कूल एक्चुअली इतना अच्छा फैकल्टी मेम्बर्स है, इतने अच्छे टीचर्स हैं, हमारे यहाँ पे 19 फैकल्टी टीचर्स हैं, 19 फैकल्टी है। वोकल सेक्शन में 2 है, डांस सेक्शन में 5 टीचर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट डांस कैटेगरी है, फिर इंस्ट्रूमेंट्स के डिफरेंट कैटेगरीज है, मार्शल है, आर्ट है, पेंटिंग है, तो सारे सब कुछ है इन वन प्लेटफॉर्म। तो हमारे बच्चे भी हाँ सीख रहे हैं, एक एक बच्चे 2-3 आइटम भी सीखते हैं, तो ये वी आर ऑल टैलेंटेड स्टूडेंट्स, दे विल बी परफॉर्मिंग हियर ऑन द स्टेज। मैम, आपके मुँह से एक अच्छा सा गाना सुनना चाहेंगे जो आपको अच्छा लगता हो? मुझे तो हर जगह में अच्छा लगता है। मैम, जो आपका फेवरेट हो? आज तो मैं ठीक है, एक बंगाली गाना सुना देते हैं। Bye.
आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़।